देख रहे हैं CN24। सपा का दामन थामते ही निकले विवादित बोल। समाजवादी पार्टी के बेतियाहाता कार्यालय पर भाजपा छोड़कर सपा ज्वाइन करने वाले संदीप तिवारी ने अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया और सदस्यता कार्यक्रम में ही बोले विवादित और बिगड़े बोल कि भाजपा सड़कें तो बनवाती है लेकिन केवल माफिया और बलात्कारियों को भागने के लिए। अब इस नेताजी के बयान से कैसे सहमत हो सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार सड़कें तो बनवा रही, बहुत अच्छी बनवा रही है, लेकिन उससे माफिया और बलात्कारी सिर्फ उनको आसानी से भागने के लिए बनवाया जा रहा है, न कि लोगों के संरक्षण और सुरक्षा और व्यावसायिक क्षेत्र के लिए। जिलाध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी ने पार्टी की सदस्यता लेने आए सैकड़ों कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाया कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मण समाज सहित सभी समाज के लिए हर स्तर पर उनके मान सम्मान की रक्षा करती रहेगी। जरूरत पड़ने पर ब्राह्मण समाज सहित सभी समाज के लोगों की रक्षा के लिए समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी। भारतीय जनता पार्टी के स्वयं के लोग जो उसके पदाधिकारी हैं वो स्वयं भी कहीं कहीं घुटन महसूस कर रहे थे, तो आज उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी लोग भाजपा को छोड़ करके त्यागपत्र देकर के आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर यहाँ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं। हम गोरखपुर जनपद में समाजवादी पार्टी के तरफ से उनका स्वागत करते हैं और उनको भरोसा दिलाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने इस मीटिंग के माध्यम से सदस्यता कार्यक्रम में सब लोगों ने संकल्प व्यक्त किया है कि आने वाले 2022 के चुनाव में हम लोग उत्तर प्रदेश में विकास और सुख शांति के लिए माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। तो हम जो लोग समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं, हम उनको भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी उनके मान सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और 24 घंटा हम समाजवादियों की नैतिक जिम्मेदारी होगी कि हम उनके मान सम्मान की सुरक्षा करते रहें और हम उनकी हर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं और समाजवादी पार्टी में हम उनका कद बढ़ाने का भी काम करेंगे।